जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वह बच नहीं सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो। औसत अमेरिकी व्यक्ति आज सरकार के लिए 5 से 6 महीनों तक काम करता है ताकि वह टैक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके। मेरे विचार में यह बहुत समय ज्यादा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं आपको सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलो का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया है जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था। हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं, अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते हैं बल्कि वे पलटकर वार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वे चीजों को बदल सकते हैं। वे चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते, वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे उन पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे चतुर और स्मार्ट वकीलों तथा अकाउंटेंट्स की सेवा लेते हैं और राजनेताओं को मनाते हैं कि वे कानून बदलें या कानूनी बचाव के रास्ते बनाएं। उनके पास परिवर्तन करवाने के लिए जरूरी संसाधन होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के कई रास्ते प्रदान करता है। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं, परंतु इनका फायदा सामान्य तौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय शब्द 1031 इंटरनल रेवेन्यू कोड के अनुच्छेद 1031 का संक्षिप्त रूप है, जिससे रियल इस्टेट बेचने वालों को टैक्स चुकाने में देरी करने का मौका मिलता है अगर वह ज्यादा महंगे रियल इस्टेट को खरीदता है और सौदेबाजी में फायदा नहीं लेता। रियल इस्टेट एक ऐसा पूंजी निवेश है जो इतना बड़ा टैक्स लाभ देता है। जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे नगद ही न रखना चाहें। जो लोग कानून द्वारा दी गई इन टैक्स की छूटों का लाभ नहीं उठाते वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। गरीबों और मध्य वर्ग के पास उतने संसाधन नहीं होते, वे चुपचाप बैठे रहते हैं और सरकार की सुइयों को अपनी बांह पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाजत दे देते हैं। आज मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वालों की संख्या से लगातार स्तब्ध होता रहता हूं, और वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं, और मैं जानता हूं कि सरकारी टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए और इसके लिए सरकार दोषी थी, मुझे यह सब पता है, परंतु जनवरी से लेकर मई के पहले पखवाड़े तक सरकार के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटकर वार नहीं किया, मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल खेल को चतुरता से खेला और उन्होंने ऐसा कॉर्पोरेशंस के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। अमीर डैडी से मेरा पहला सीखा गया सबक आपको याद होगा। मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था। वे जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद भी इतना ही ताकतवर बनना चाहूं। जितने भी समय तक मैंने उनके मार्गदर्शन में पढ़ा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान ही ताकत है, और पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है उसे बनाए रखने के लिए और उसे कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। उस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर उधर धक्के मारता रहता है। अमीर डैडी हमेशा माइक और मुझे यह याद दिलाया करते थे कि सबसे ज्यादा डरावना व्यक्ति बॉस या सुपरवाइजर नहीं होता बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्समैन हमेशा आपसे ज्यादा से ज्यादा वसूल कर लेगा। पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम न करूं। मेरा यह पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर आप पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतना ज्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देना सरकार को टैक्स से देने से सस्ता था। मेरे लिए उनका सर्वश्रेष्ठ सबक था, स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सके, और मैंने जिंदगी भर इसे अपनाया है। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था।
अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं, तो आप किसी से भी उलझने से नहीं डरेंगे, चाहे आपका मुकाबला रॉबिन हुड और उसके गिरोह से ही क्यों ना हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी अच्छे कॉरपोरेशन में बढ़िया सी नौकरी खोजूं। वे मुझे हमेशा उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कॉरपोरेट की सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल की जा सकती हैं। वे यह नहीं समझ पाते थे कि कॉरपोरेट नियोक्ता से मिलने वाले वेतन के चेक पर पूरी तरह निर्भर रहने से मैं एक ऐसी दुधारू गाय बन जाता था जिसे दुहा जा सकता है। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वे एक केवल हंसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा, सीढ़ी का मालिक ही क्यों न बन जाए। बचपन में मुझे यह समझ में नहीं आया था कि अपने कॉरपोरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और डरावना लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, परंतु मेरी कम उम्र में मैं इस संभावना पर विचार नहीं कर पा रहा था कि वयस्क लोग किसी दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह का पालन कर रहा होता। मेरे अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉरपोरेशन का विचार जीवित रहा और यह मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। जब मैं 15 या 16 साल का था तो मैं जानता था कि मैं उस राह पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने बताई है। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा किस तरह करूंगा, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं भीड़ के सामने नहीं चलूंगा और उस दिशा में नहीं जाऊंगा जिस तरह मेरे सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे अमीर डैडी की सलाह मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। मैंने हाल ही में मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे अब बहुत पैसा मिल रहा था, परंतु हर बार जब भी मैं अपने तनख्वाह के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियाँ इतनी ज़्यादा थी और जितना ज़्यादा मैं काम करता था कटौतियाँ उतनी ही ज़्यादा होती थी। जब मैं ज़्यादा सफल होने लगा तो मेरे वरिष्ठ बॉस